अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिराज़ी स्टूडियो। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज़ महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, दौरे हाजिर की अगर बात की जाए तो इस वक्त एक तबका वो है जो जंगलों में जाकर, सहराओं में जाकर, समंदरों में जाकर जो हमारी जंगली हयात है, जो समंदरी हयात है, जो वाइल्ड लाइफ जिसे कहा जाता है, उसकी ज़िंदगी के दर पे है। शिकार के शौकीन हजरात अपने जस्ट फन की खातिर इस नायाब नस्ल को ख़त्म करते जा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस नायाब नस्ल को अल्लाह ताला की इस खूबसूरत मखलूक की जान की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चौसैदम शाह के गांव ढियाला कहून में, और हम यहां पर आए हैं एक फार्म हाउस पर जिसका नाम है कैप्टन शाहिद मुनव्वर वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म। यहाँ पर आप मेरे पास ये देख रहे हैं, ये जिसको हम पंजाबी में उड़ियाल और अड़ियाल कहा जाता है उर्दू में, ये एक नस्ल है, हिरन से मिलती जुलती ये एक नस्ल है। यहाँ पर हम आए हैं और इन्होंने यहाँ पर ये फार्म बनाया हुआ है, यहाँ पर ये इनकी हिफाजत कर रहे हैं, और इनको इतना बेहतरीन माहौल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि ये इंसान दोस्ती है, ये इंसान से डर नहीं रहे। ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये चीज़ें जो इंसान से अब डरना शुरू हो गई हैं, इंसान इनकी जान के दर पे है, वहीं पर यह चीज़ें इस कदर मानूस हो चुकी हैं इस माहौल से कि ये इंसान को कबूल करती हैं। जिस तरह आप मेरे पास ये देख रहे हैं, ये एक बच्चा इसी ब्रीड का बैठा हुआ है और बड़े प्यार से मैंने इसको बिठाया हुआ, और ये बड़े प्यार से आकर मेरी गोद में बैठ गया। तो नाज़रीन, इसके बारे में हम मज़ीद जानेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या है। कुछ हमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स हैं फैंसी किस्म के, और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के जो ऑनर हैं कैप्टन शाहिद मुनव्वर, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं और उनके मकासद क्या हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं, इस सिलसिले को कितना बढ़ाना चाहते हैं, आखिर उनके इसके बारे में मकासद क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वाइल्ड लाइफ ब्रीड फार्म के ऑनर कैप्टन शाहिद मुनव्वर साहब, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इस फार्म हाउस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम कैप्टन शाहिद ब्रीड फार्म है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। सर हमें ये बताइए कि ये आपने ये जो नस्ल है, हिरन की नस्ल है, उड़ियाल की नस्ल है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव एक शौक है, आपका ये शौक है या आप इस नस्ल को बचाना चाहते हैं, इसके पीछे आपकी क्या लॉजिक है? आपने बड़ा एक्सपेंसिव ये शौक पाला है, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपके पास कलेक्शन भी है, तो इसके बारे में प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक मेरा शौक है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हमारे चकवाल में कोई इस किस्म का ब्रीडिंग फॉर्म नहीं है जिसमें हमारे ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट चकवाल की जो एक मशहूर नस्ल अड़ियाल है, पंजाब अड़ियाल, जहाँ पे उसकी नस्ल को बहुत ही कम रह चुकी है, और प्रोटेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए महकमा वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है, लेकिन कुछ हमारे शिकारी हजरात उसकी नस्ल को ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फॉर्म का मैंने आगाज़ किया, ये सिर्फ मेरी कोशिश नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की एक बहुत सपोर्ट मेरे साथ रही है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के डिप्टी साहब मान साहब थे, और अभी जो प्रेजेंटली आबद साहब की कोशिश है, और वाइल्ड लाइफ के जो दूसरे एहलकार हैं उनकी यानी एक सपोर्ट के साथ, उनकी एक गाइडलाइन के साथ इस काम का मैंने आगाज़ किया, और इंशाल्लाह अभी तो एक डेढ़ साल हो गया है मुझे इसको स्टार्ट किए हुए, और आस्ता आस्ता हम इस अड़ियाल की नस्ल के साथ साथ दूसरी जो नापैद नस्लें हो चुकी हैं उनकी इंशाल्लाह ब्रीडिंग कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट चकवाल को हम एक मिनी ज़ू के नाम पे इंशाल्लाह इस चीज़ को अपग्रेड करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे बूढ़े औरतें विज़िट के लिए आ चुके हैं और आते रहते हैं। यानी ये जगह फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए भी अवेलेबल होगी? जी इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आवाम के अंदर भी लेके जाएंगे, अभी भी बच्चे और ईद के मौके पे और ऐसे मौक़ों पे फैमिलीज आती रहती हैं, विज़िट करती हैं, बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ज़िला चकवाल में इस किस्म का कोई विजिटिंग प्लेस भी नहीं है। हम इनकी ब्रीडिंग के साथ साथ हम इंशाल्लाह आवाम की सैर व तफरी का एक बहुत अच्छा माहौल इंशाल्लाह देंगे, ताकि हमारे पास एक चकवाल के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाएं कि जिससे एटलीस्ट हमारा चकवाल की विजिटिंग प्लेस अपग्रेड होती रहे। विजिटिंग प्लेस जी,
सर, ये जो आपने ब्रीड्स यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको यहाँ पर लाने में, इनकी यहाँ पर ब्रीडिंग करने में और इनके रहने सहने का इंतज़ाम करने में आपको मुश्किल पेश आई हैं या आसानी से हो गया ये काम? जी, आसानी से तो कोई काम नहीं होता ऐसे। इसमें मैं अगर ये कह सकता हूँ कि अगर एक अड़ियाल, ये आपने देखा होगा, ये मैंने जब फर्स्ट पेयर लेके आया तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर ये बीमार हो जाता है तो मैं रात को सोता नहीं हूँ, इसके साथ बैठा रहता हूँ। और ये वो वाले दिन भी आए हैं कि हम 24 घंटे रात को इसके पास बैठे हैं अगर थोड़ी सी बीमारी इसको आ जाए। यानी इतना दिली लगाओ आपको इसके साथ? मैं तो आपको साफ बताता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, ये आपके साथ पीछे होगा, और मैंने आपको ये बता दूँ कि अपने बच्चों से बढ़कर इनकी सेहत, इनके खाने पीने का जो निज़ाम मैंने अपने दिल से कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम शुरू कर दिया। नो, अभी तक मैंने एक रुपया भी बिज़नेस पे, यानी कोई चीज़ बेची नहीं है, कोई कुछ नहीं किया अब तक। इनकी मैं यानी तादाद बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर इनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो शायद अगर उसी अपोज़िट देखा जाए, मेरे बच्चे जो हैं तो मैं बच्चों से ज़्यादा बढ़ के इनकी खिदमत कर रहा हूँ। और ये सारे मेरे दोस्त और अहबाब रिलेटिव सब जानते हैं कि मैं किस मेहनत के साथ इस नस्ल को बचा रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको बढ़ाऊँगा। और हमें इससे पहले तो मालूम नहीं था कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा एक बंदे ने काबिश की है हमें, कि हमारे बड़े अजीज़ हैं, अंकल हैं, अंकल मलिक मुश्ताक साहब, इन्होंने हमें इस बारे में आगाह किया कि यहाँ पर ये कैप्टन शाहिद साहब हैं, वो ये काबिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी उनकी लगन है। तो हमने चाहा कि हम विज़िट करें और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। सर, हमें ये बताइए कि यहाँ पर और कौन कौन सी ब्रीडिंग्स हैं आपके पास, ब्रीड्स हैं? जी, टाइमली तो हम इसकी साथ साथ जो जो जगह बन रही है इसमें हम इंशाल्लाह 10 से 12 किस्म के जो डीयर्स फैमिली हैं उनको लेके आएंगे, जिसमें अड़ियाल अभी प्रेजेंटली हमारे पास मौजूद है, उसकी ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है। ब्लैक बग, जिसको आप काला हिरन कहते हैं, वो मौजूद है, और गज़ल, जिसको चिंकारा डियर कहते हैं, उर्दू में गज़ल कहते हैं, उसकी भी नस्ल मौजूद है। ये तीन नस्ल तो अभी हमारे पास ब्रीडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी तादाद में बच्चे भी हैं हमारे पास। तो इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता जूँ जूँ इनकी एनवायरमेंटल लिहाज से जगह जगह जूँ जूँ बनती जाएगी, तो इंशाल्लाह 10 से 20 किस्म के हम इंशाल्लाह ये डियर फैमिली के जो हैं फैमिलीज, तो उनको यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हमने दूसरा ये बैक साइड पे बर्ड जोन बना रहे हैं, जिसमें फीजेंट्स और चकोर, तीतर और इस किस्म के जो नजाब परिंदे हैं, इंशाल्लाह उनकी भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं परिंदे। तो हम मतलब ये कि दो जोन बनाएंगे, बर्ड्स एंड एनिमल जोन, और बर्ड जोन अभी स्टार्ट हो चुका है उसका भी काम, और कुछ परिंदे आ चुके हैं। अंकल जी, परिंदों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो परिंदों में कुछ नस्लें ऐसी हैं जो बहुत नायाब हो चुकी हैं, जिनमें आपने चकोर का जिक्र किया है, काला तीतर है, तो वो आप यहाँ से कलेक्ट करने में आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं पेश आएगी? देखें, सबसे पहले ये जितना हमारे साथ तामन महकमा वाइल्ड लाइफ कर रहा है और उनका जो तामन है, उन्हीं के साथ मिल के हम एक मीटिंग के साथ हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और उनसे मशवरे लेते रहते हैं। वो बहुत अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं मिस्टर आबद, तो वो अक्सर यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और इंशाल्लाह हम एक मिसाल कायम करेंगे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, क्योंकि ये चकवाल में कोई ऐसा फार्म नहीं था कि जिसको आप पब्लिक के लिए खोल सकें, या ब्रीडिंग कर रहे हों या उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हों। तो ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, स्पेशली इन्वायरमेंटल लिहाज से ये मेरे अबाउ इजाद की जो छुड़ी हुई जगह है, तो मैंने इसको इस जगह के लिए मुंतखब इसीलिए किया कि यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, तो मैं इस माहौल में इन जानवरों को, जो जानवरों को यही इन्वायरमेंटल लिहाज से यही जगह चाहिए, मैंने इस जगह का इसलिए इंतखाब किया। आपको राइट लेफ्ट आपको ये पूरा जंगल नज़र आ रहा होगा, और ये अभी आपको बताऊंगा, ये जो अड़ियाल नस्ल है, इसको ये नहीं कि हमने बांध के रखा हुआ है या जी पकड़ के रखा हुआ है, ये ओपन है, ये मीलों मील हमारे फार्म से बाहर निकल के घास फूस चरने के लिए चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं,
और हम यही ये बहुत बड़ी अंकल जी कतक माफ, आपने बड़ी हैरानगी की बात बताई कि चरने के लिए बाहर जाते हैं और फिर खुद ही वापस भी आ जाते हैं। जी सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊँगा, ये जो हमारे पंजाब का अड़ियाल है, ये दुनिया में बहुत परिंदे हैं, डियर्स फैमिली हैं, जितना ये इंसान से प्यार करता है शायद आपके बच्चे भी इतना आपसे प्यार नहीं करते। इसको जिस आप जैसे ढालना चाहें ढाल सकते हैं, आइधर मैं यहाँ पे बैठता हूँ मेरे पास बैठ जाते हैं, मेरी गोद में भी सो जाते हैं, मैं अगर चारपाई पर बैठता हूँ वो नीचे बैठ के सो जाते हैं। इनको जितना मैंने प्यार दिया है उससे डबल उन्होंने प्यार दिया। ये अड़ियाल ऐसी नस्ल है कि ये अगर आपके इसके साथ टेम्ड हो जाती है तो इसको आप ओपन बाहर ये बकरियों की तरह आप छोड़ दें रेवड़ की तरह, ये वापस आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरी फैमिली होती है जैसे चिंकारा डियर्स हैं, ब्लैक बग्स हैं, दूसरी जो फैमिली हैं, उनको आपको एक कॉम्पिटेंटेड एरिए में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनको वैसे बाहर छोड़ेंगे तो वो वापस फिर नहीं आते। इसीलिए इनकी जो आप हमने जगह बनाई हुई है, ब्लैक बग की अलग है, चिंकारा की अलग है, इनकी ब्रीडिंग हम साथ साथ कर रहे हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह इनकी नस्ल को बढ़ा रहे हैं। अभी छोटे छोटे आप इनके बच्चे भी देखेंगे जो इन्होंने ब्रीड किए। तो दूसरा अड़ियाल जितना इंसान से प्यार करता है, मेरे ख्याल में डियर्स फैमिली में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसान से प्यार करता हो। ये आपको नज़र भी आ गया होगा, आप आए हैं, आपके साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, फैमिलीज आती हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं, इनके साथ मानूस हो जाते हैं। आइदर आप पाकिस्तान के किसी भी वाइल्ड लाइफ के फार्म में जाएं या जू में जाएं, तो उनको एक केज में बंद किया होता है, उनके साथ तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते या उनको पास जा भी नहीं सकते। तो यहाँ का जो मैं माहौल दे रहा हूँ, इट इज़ माई चैलेंज, ये जो मैंने इनको माहौल दिया है खास करके अड़ियाल की नस्ल को, ये पूरे पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में भी कहेंगे। बहुत अच्छी बात अंकल जी, बहुत ज़बरदस्त, आपने ये जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, आप ये काविश कर रहे हैं जंगली हयात के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए, इनकी नस्ल को बचाने के लिए। अल्लाह करीम आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और इनके सदक़े से अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किल को दूर फरमाए। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस फार्म हाउस के जो ऑनर हैं कैप्टन शाहिद मुनव्वर साहब, उनका कहना है कि अगर कोई भी शायकीन हजरात जो हैं जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, वो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो उनको लीगली विद लाइसेंस विद डॉक्यूमेंटेशन ये चीज़ कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की परिंदा है, कोई चकोर है या कोई डियर फैमिली में से कोई भी स्पीशीज़ अगर कोई लेना चाहते हैं, कोई जानवर आप लेना चाहते हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ और लीगली प्रोवाइड की जा सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ आप लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, हमारे चैनल शिराज़ी स्टूडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन सुल्तान शिराज़ी के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज़ महमूद।